तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में और एक नई वीडियो लेकर के आई हूं, और ये वीडियो भी बहुत ही खास होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और ये मेरा सेकेंड वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैं डाल दी हूँ शॉपिंग वाला, तो ये सेकेंड वीडियो होने वाली है मेरे शॉपिंग वीडियो का। तो जिन्होंने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के जल्दी से जल्दी देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप लोग बताइए मेरा शॉपिंग कैसा रहा दुर्गा पूजा का। अगर आप लोग नहीं शॉपिंग किए तो जल्दी से जल्दी शॉपिंग कीजिए, हम लोग तो शॉपिंग कर लिए। और हम ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही बढ़िया और सब बहुत बढ़िया गिफ्ट दिए हैं, और मैं सरप्राइज़ हो गई हूँ। और फ़िलहाल तो मेरे पास मोबाइल थे, फिर भी मुझे एक और मोबाइल मिल गए हैं, और जिस मोबाइल से मैं शूट कर रही है वन प्लस का है, और वो मोटोरोला का है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिएगा मेरा नया मोबाइल कैसा लगा आप लोगों को, और ये मोबाइल का क्वालिटी भी कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये बोलिएगा कि मैं कौन मोबाइल से ब्लॉगिंग करूँ, वन प्लस से करूँ कि मोटोरोला से करूँ। बस ये सब आप लोगों से शेयर करनी थी, तो जल्दी जल्दी मेरा वीडियो देखिए और ऐसे ही आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरा सारा पार्सल है, और ये पार्सल मैं खोल के देख ली हूँ, बाकी ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए निकाली हूँ। और चलिए एक एक करके दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कौन सा पार्सल मैं पहले आप लोगों को दिखाऊँ, तो चलिए जो काम की चीज़ें हैं वही उसी से स्टार्ट करती हूँ मैं। और ये देखिए, ये क्या बोलते हैं, बोर्ड में लगाने वाला है, जैसे कि बाबू हाथ वगैरह घुसा लेता है छेद में, इसीलिए बोर्ड का छेद। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और ये मैं इंस्टाग्राम से देखी थी कि इंस्टाग्राम में एक बच्चे हाथ घुसा रहे थे, तो उसके पेरेंट्स ये लेकर गए, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये मैं ले ली हूँ। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप लोग भी इसे ले लीजिएगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बाकी आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे देखिए एक ओप्पो का हेडफोन लिए, इसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और एक न्यू मोबाइल है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, अभी तो अभी इसका भी अनबॉक्सिंग नहीं की हूँ मैं। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, देखिए। यहाँ पे बहुत सारे पार्सल, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कौन सा पार्सल पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। एक जूड़ा में लगाने वाला क्लिप है, और ये भी मैं मीशो से खरीदी हूँ, और देखिए इसका प्राइस हमको लग रहा 50 रुपीज़ है, और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे, क्योंकि मीशो में अभी ऑफ़र चल रहा था, तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइस में मुझे मिला, तो ये भी मैं ले ली हूँ। और साथ में देखिए ये चार को क्लिप, और ये क्लिप भी मिला, पांच को शायद हमको क्लिप मिला होगा, और क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी आप लोग बताइएगा कैसा है। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिएगा कितने कम प्राइस में मैं शॉपिंग की हूँ। और आप लोग बताइएगा इस बिग मिलियन डे पे कौन कौन शॉपिंग की है इतने कम प्राइस में, बाकी मैं तो बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग की हूँ इस बिग मिलियन डे में। आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और देखिए। चलिए मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम और एक काम की प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो ये प्रोडक्ट आप ज़रूर खरीदिएगा। बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड में जो छेद होता है उसमें हाथ घुसाने की कोशिश करता है, और हम कभी कभी देखते थे कि अभी भी ऐसा ही कर रहा है, फिर क्या मैं इंस्टाग्राम से देखी और इसे ले ली हूँ। वैसे इसको तो मीशो में मिल जा रहा है, अगर आपको लेनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी, क्योंकि हम समझ सकते हैं छोटे बच्चे के घर में बच्चे हमेशा अक्सर हाथ घुसाने का कोशिश करता है, और उनको थोड़ी पता होता है कि इसमें लाइन दिया हुआ है कि नहीं है, लोग अपना मस्ती मस्ती में खेलते रहता है, बाकी नुकसान तो बड़े को होता है, इसीलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे तो आप ये ज़रूर लीजिएगा,
हम आपको जरूर कमेंट करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बताइए। चलिए और एक पार्सल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये पार्सल मुझे मीशो से रिसीव हुई है। इस पार्सल में मुझे मिला है बहुत ही खूबसूरत सा एक नेकलेस, और आप लोग देखिएगा तो कहिएगा वाओ ये नेकलेस कितनी सुंदर है। सिंपल है इसीलिए क्योंकि सिंपल चीज़ बहुत सुंदर होती है। और देखिए ब्लू कलर है, ब्लू कलर मेरा फेवरेट है इसीलिए मैं ब्लू कलर ली हूँ। और इसका ईयरिंग्स देखिए कितनी चुटकी से भाव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ईयरिंग्स बहुत अच्छा लगा देखिए। और इसके बाद मैं इसका नेकलेस दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये भी वैसे ही हो और बहुत ही सुंदर है। देखिए इसका नेकलेस टूटने वाला नहीं है। चलिए बैक साइड दिखाती हूँ मैं, कितना सुंदर ज्वाइंट किया हुआ है। तो ये भी बहुत ही अच्छा, और इसका प्राइस है 65 रुपीज़। ये भी मुझे मीशो से ही मिला है, कितना सुंदर लग रहा है। चलिए नीचे मैं दिखाती हूँ इसका लेंथ कितना है, देखिए अच्छा है। बाकी इसको भी मैं पहन करके दिखाऊंगी, देखिए मुझे अच्छा लगा। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। देखिए यहाँ पे पत्थर वगैरह कितना सुंदर है, निकलने का कोई चांसेस नहीं है। मैं एक एक डिटेलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए और एक पार्सल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं, ये मुझे फ्लिपकार्ट से मिला है और ये भी ऑफ़र में ही मिला था, तो इसको भी मैं ले ली हूँ। क्वालिटी वगैरह इसका भी अच्छा है, साउंड वगैरह अच्छा है, सारा मैं सुन करके देख ली हूँ, बाकी आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मोबाइल का भी अनबॉक्सिंग हो गया है, और ये मुझे ग्रीन कलर में मिला है, बाकी कोई कलर नहीं मिल रहा था। पार्सल मुझे मीशो से मिला है, और पहले मैं आप लोगों के साथ दुपट्टा शेयर कर रही हूँ। देखिए दुपट्टा की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कलर वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी डिज़ाइन तो आप लोग देख ही रहे हैं, और लेस समोसा लेस दिया हुआ है। लेंथ बोले तो लेंथ भी बहुत ही अच्छा है, अच्छा खासा लेंथ है। और चलिए मैं सूट दिखाती हूँ, बाकी इसे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसे भी मैं पहन के दिखाऊंगी। चलिए सूट दिखा लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए सूट का पहले डोरी दिखाती हूँ, लटकन वगैरह तो छोटा नहीं है, लटकन भी अच्छा है, अच्छा खासा दिया हुआ है। और इस लटकन में गोल्डन कलर का है, बाकी सूट का कलर जैसा ही डोरी का लटकन दिया हुआ है। और चलिए इसका लेंथ वगैरह और गहराई कितना है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। देखिए आप लोग यहाँ पे मैं जितना हो सके कोशिश करूँगी गहराई दिखाने का, बाकी आप लोग अगर नहीं समझ पाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका पूरा वीडियो मतलब पहन करके फुल लुक दिखाऊंगी मैं। ऐसा तो आप लोग समझ रहे हैं कि कितना है, देखिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं दिखाने का। एक हाथ में मैं मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ में मैं दिखा रही हूँ, जितना हो सके मैं दिखा रही। ये गला है आगे का, ये नहीं बैक साइड है, ये बैक साइड है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये बैक साइड है और ये है फ्रंट वाला। तो देखिए आप लोग कैसा है। तो ये अनारकली ड्रेस मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा लगा, बाकी आप लोग बताइएगा इसका प्राइस कितना होना चाहिए। ये तो मुझे 300 में मिला है ऑफ़र में, बाकी आप लोग बताइएगा कितना में खरीदते हैं। और ये भी मुझे ओके ओके लगा। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, नेक्स्ट बोले क्या कितना पार हो गया। और ये एक और एक सूट है जो पटियाला बोलेंगे इसको, फुल पटियाला है। तो पहले दुपट्टा दिखा लेती हूँ मैं, तो चलिए ये भी मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ। इसका भी दुपट्टा बहुत ही सॉफ्ट है, और देखिए मुट्ठी भर में आ जा रहा है, मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ। और चलिए इसका पाजामा दिखाती हूँ मैं, तो देखिए पाजामे में जो कितना सुंदर कढ़ाई किया होगा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा पैर के पास। और इसका भी लेंथ अच्छा है, अच्छा खासा लेंथ दिया हुआ है, लंबाई बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये रबड़ भी बहुत ही सुंदर है, ढीला नहीं है, और ये भी मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा लगा। इसका भी प्राइस मैं बता दूंगी इन्हें लास्ट में। चलिए सूट दिखाती हूँ, तो देखिए ये सूट में जो कड़ी लगे हुए हूँ वो मैं खुद से लगाई हूँ, ये सूट में नहीं दिया था, क्योंकि फिर आप लोग बोलिएगा नहीं ये सूट में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ये मैं खुद से लगाई हूँ और पूरा नहीं लगा पाई क्योंकि ये कड़ी ख़त्म हो गया,
तो अभी कड़ी का बात नहीं करते, अभी विंड सूट का बात करते हैं। देखिए सूट में कितने अच्छे डिज़ाइन वगैरह है और छोटे छोटे मिरर लगे हुए हैं। ये ओरिजिनल मिरर नहीं है पर अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर है। और हाथ में भी देखिए, इसका हाथ का लेंथ भी बहुत ही अच्छा है। और ये मुझे वाइट कलर में रिसीव हुआ, बाकी और कोई कलर नहीं था तो मैं वाइट कलर ही ले ली। और आप लोग अगर कोई कलर मिलेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ये सूट मुझे बहुत ही पसंद आया। दूसरा कलर मिलेगा तो मैं ज़रूर ले लूँगी। और ये कड़ी अगर पूरा लग जाएगा तो वो भी मैं दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसका क्वालिटी वगैरह भी ठीक ठाक है और ये भी मुझे 300 में मिला है, बहुत ही कम प्राइस में, तो इसे भी मैं ले ली हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा ये सूट कैसा है, और ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जब पहनूंगी तो दिखा दूंगी ये कैसा लग रहा है मेरे पे। इस मोबाइल के बारे में मैं तो कुछ नहीं बता पाऊँगी, मेरे हस्बैंड आएंगे तो उसका सारा रिव्यू देंगे, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। और मोबाइल का जानकारी मुझे नहीं है जितने कि मेरे हस्बैंड को है, तो मैं बोलूँगी मेरे हस्बैंड को इसके बारे में एक वीडियो बनाने के लिए, सारा कुछ जानकारी देने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं। और मैं यही बोलूँगी कि वीडियो को नहीं लंबा करेंगे, बस आज की वीडियो इतना ही। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरा वीडियो को, और अब से मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी। और एक बात बोलनी थी मुझे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी दुर्गा पूजा आने वाले हैं, तो दुर्गा पूजा में बहुत ही अच्छी अच्छी मैं कोशिश करूँगी वीडियो डालने की, कोशिश नहीं पूरे कोशिश करूँगी मैं अच्छी अच्छी वीडियो देने के लिए। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।